गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह ही इतनी धूप, और सुबह सुबह ही हम लोगों ने प्लान कर लिया है एक लोकेशन पे जाने का। मैं, शुभम, कुलदीप और कुलदीप के कुछ फ्रेंड्स। आज संडे भी नहीं है, बट हम लोगों ने प्लान किया है। सब फ्री थे, सोचा कि थोड़ा घूम के आते हैं। तो नियर स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिस कैनाल के ऊपर बना हुआ है, नर्मदा कैनाल के साइड में बना हुआ है, वही वहाँ पर ही एक डैम है, सरदार सरोवर डैम। तो आज हम लोगों ने वहाँ पर जाने का प्लान किया है, सरदार सरोवर डैम। अराउंड 93 to 95 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। गर्मी ऑलरेडी बहुत हो चुका है, बट कोई नहीं, मज़ा आएगा। अब यहाँ से हम निकलने वाले थोड़ी देर में, बस 15 to 20 मिनट्स में यहाँ से फ्री होके निकलता हूँ। यहाँ से मिलते हैं आपको बाइक के ऊपर। मैं और शुभू निकल गए हैं, कुलदीप अपने को ज्वाइन करेगा शेल पेट्रोल पंप से। अपने थोड़ा लेट हो गए, मैंने थोड़ा लेट कर दिया फिलहाल। सो टैंक फुल हो गया, अपने जीरो कर देते हैं मीटर को। ट्रिप 10। चले। सो कुलदीप, मैं और शुभम, हम तीनों निकल रहे हैं सरदार सरोवर डैम। जैसा मैंने आपको बताया, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में है। अभी एग्जैक्टली प्लान देखते हैं हम क्या करते हैं। वैसे अभी हमने सरदार सरोवर डैम लोकेशन रखा है, अगर अभी हम कुछ चेंज करते हैं तो आपको रास्ते में या ब्रेकफास्ट पॉइंट पे पता चलेगा क्या है। अपने सिटी से बाहर आ गए हैं, अपने हाईवे पर है NH 48। हमको अराउंड सिर्फ 1.5 किलोमीटर यहाँ कवर करना है, उसके बाद हम हाईवे से राइट लेंगे फॉर राजपीपला रोड फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो हमें यहाँ से लेफ्ट लेकर, मतलब हाईवे छोड़ के हमें स्टेट हाईवे लेना पड़ेगा ब्रिज के नीचे से राइट। विलेज एरिया आता है तो बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विलेज में से ही होता है, पब्लिक कहीं से भी कैसे भी निकल आती है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। से सीधा जाना है अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ से 60 किलोमीटर्स है, बट हम लोग यहाँ से राइट लेंगे। हम लोग हाईवे को छोड़ के थोड़ा अंदर का गांव का रास्ता लेंगे, थोड़ा सा व्यू के लिए। और हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट पॉइंट डिसाइड किया है वो इसी साइड है। सो हम इधर से जाते हैं, ब्रेकफास्ट पॉइंट अराउंड यहाँ से 10-15 किलोमीटर्स और होगा ना, 10-12 किलोमीटर। फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे, अपना जो भी अपना डेस्टिनेशन है सरदार सरोवर डैम। देखते हैं, आई थिंक अभी डैम फ़िलहाल एंट्री बंद कर रखा है देखने के लिए। अगर वहाँ पे बंद होता है तो फिर लेट्स सी, कोई और लोकेशन प्लान करते हैं। ये रेलवे लाइन आई थिंक बड़ौदा टू स्टैचू कनेक्ट करता है, अभी ही बना है हाल ही में ये। इनफैक्ट जो इसके स्टेशन है उसको भी ओपन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मोस्टली जिन लोगों को नहीं पता है
मैं रेलवे में हूँ, सो लुक एट दिस व्यू। मतलब अगर हम अपना हाईवे से जाते तो हम लोगों को ऐसा व्यू नहीं मिलता। थोड़ा सा बहुत माइनर सा रोड का प्रॉब्लम रहेगा, थोड़े छोटे पैचेस हैं रोड पे, बट चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपनी कीबा अपने को संभालेगी। इतने पैचेस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने को फील नहीं आएगा। एडवेंचर होने का यही फ़ायदा है बाइक का। लुक एट दिस व्यू। City still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. हम लोग अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट पर बस पहुंच गए हैं और हम 100-200 मीटर्स ही गए हैं। अब हम बड़ौदा से अराउंड 48 किलोमीटर्स हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं अब ब्रेकफास्ट के लिए। मोस्टली टाइम जब भी हम लोग इधर आते हैं, मीन्स राजपीपला साइड, तो हम मोस्टली यहाँ पर ही रुकते हैं। अगर आप लोग कभी इस साइड आओ तो यहाँ पर आकर के ब्रेकफास्ट ट्राई करना। हम लोगों ने अराउंड 48.7 किलोमीटर 39 मिनट्स में कवर किया फ़िलहाल, नॉट बैड। सो मिलते हैं थोड़ी देर में आपके साथ। जाना पहचाना क्या, मोस्टली अपने इस रूट पे जब भी आते इधर ही रुकते हैं ना भाई ब्रेकफास्ट के लिए। सरदार सरोवर के लिए? हाँ, मतलब अपने विशाल खाड़ी जाते तो भी इधर से ही जाते हैं, जहाँ भी जाते इधर से ही जाते हैं। इसको कभी भी रास्ते कभी याद नहीं रहते, बड़ौदा के भी रास्ते कभी कभी भूल जाते जबकि बचपन से वहीं रह रहा है। क्या गुंडा बनेगा रे। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कभी अपने घर की जगह भी कंफ्यूज ना हो जाए कि ये वाली गली है दूसरी गली है। हैं, लगता है घर का रास्ता भी गली है। वही बोला मैं अभी। देखो इसमें ऐसा होता है, व्लॉग्स में बेइज्जती नहीं, ये दोस्ती है। तुम जहाँ मिलते हम तुम्हारी बजा ही लेते हैं, तो फिर इसमें भी पता लगना चाहिए ना कि तुम्हारी उड़ रही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये क्लिप रहेगी, यहाँ कट नहीं होगी व्लॉग में। ये रखने का ही। सो यहाँ सुबह प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया है। जा प्रोफेशनल फोटोग्राफर। अरे हमरा। सो अभी ये कुछ गुजराती डिश है, प्रॉपर क्या बोलते हैं शुभू बताएगा अपने को भाई क्या है ये। खमण बोलते हैं इसको, खमण। ये भाई गुजराती होने के बाद भी इसको नहीं पता कि क्या डिश है। ओके, ऐसे इसको खमण बोलते हैं। और अभी बजे आ रहे हैं 300 ग्राम। अभी कुलदीप ने अपने हिसाब से इसमें 300 ग्राम करा, मैंने 300 ग्राम कराया। सो बस अभी अपने खाने के लिए रुके हैं, खा के निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा और है, अराउंड हाफ डिस्टेंस हमने कवर किया है, अराउंड 30 किलोमीटर जैसा भी और बचता है, क्योंकि हमने थोड़ा लॉन्ग रूट लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हाईवे से तो सभी जाते, अपने ने अंदर का रूरल का रास्ता लिया है। थोड़ा व्यू के वजह से रास्ते में आपने देखा ही अपना ट्रीज़ वगैरह था और वो सब। सो अभी बस बाकी सब चीज़ आने का वेट कर रहे हैं। By the way, जो रास्ता इसने पकड़ा था ना, उसमें बेचारे की कमर दुख गई। ऐसे करके चला रहा था, कमर अकड़ गई यहाँ से एकदम, तो चल कर ऐसा पकड़ के चला रहा था। और मैं इसको फोन कर रहा हूँ, साला स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का रोड ऐसा है और ये बंदे ऐसे जा रहा है। यार मैंने जैसा बोला सभी लोग हाईवे से जाते हैं, उससे बेटर है हाईवे से ना जाके अपने अलग रूट लेते हैं तो मजा आता है ना भाई। पता आप है बताओ, तेरे पास एडवेंचर है। नहीं मैं बताया उनको कि ऐसे जब नॉर्मल छोटे छोटे पैचेज होते हैं एडवेंचर होने के फायदे होते हैं, कुछ पता नहीं चलता। समझ सकता हूँ कुलदीप का दर्द, तो स्पोर्ट्स Z800 समझ नहीं आएगा ना इनको, 800 cc। तू भी आने वाला है, पहले अपने पास भी थी तो अपने को भी पता है वो दर्द। लेकिन जिस दिन से एडवेंचर लिया है, एडवेंचर वाला ही हो रहा है। मजाक कर रहा हूँ, वैसे अपना ये सेकंड राइड ही अपनी बाइक के ऊपर।
तो अपने वैसे जो चीज मेनली खाने के लिए रुकते हैं आज वो चीज अवेलेबल नहीं है यहाँ। आज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, भजिया है, ये हमारी फेवरेट चटनी है। चटनी वैसे इसको चटनी बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे यूपी साइड में इसको कड़ी बोलते हैं। नहीं कड़ी भी बोलते हैं यहाँ पर भी कड़ी बोलते हैं। शुभ बता रहा है अभी थोड़ा टर्निंग अच्छे अच्छे है तो कुलदीप को बड़ा मजा आ रहा है। सी सो अभी आगे हमें एक ब्रिज क्रॉस करना है। एक्चुअली आगे नर्मदा रिवर है। ओह आई थिंक ये क्लोज है, एंट्री नहीं है, क्या है पता नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा। अभी इन्होंने दूसरा रास्ता बताया है, मैंने अच्छे रास्ते की वजह से ये रास्ता चूज़ किया, बट उसमें हुआ क्या, ये ब्रिज अभी अंडर मेंटेनेंस है तो सब लोगों ने ये ब्रिज बंद कर रखा है। सब लोगों से मतलब मेंटेनेंस की वजह से ब्रिज बंद है, तो अपने को भी दूसरा रूट लेना पड़ेगा, बट वो काफ़ी लंबा है। अभी कुलदीप देख रहा है कि वो रूट एग्जैक्टली कहाँ से कैसे है। सो इन सर अभी भाई ने इन्होंने कुलदीप को बता दिया, कुलदीप फ़ोन में मैप डाल लेगा, फिर हम उसी के थ्रू कुलदीप को फॉलो करते हैं, मैप फॉलो करके सेम लोकेशन पे ही पहुँचते हैं। सो अभी वहाँ जो सेफ सिक्योरिटी वाले थे और वो जो एक भैया थे, उन्होंने अपने को ये अंदर का रास्ता बताया गांव से, मैप पे उन्होंने सेव करके दिया है। आई थिंक हम रिवर के साथ साथ चलेंगे, कोई नहीं, इंटरेस्टिंग सा ही लग रहा है वैसे तो, बट एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि ऐसा बंद, मतलब किसको पता, अगर पता होता तो मैं इधर से बोलता ही नहीं आने को, बट कोई नहीं, अभी अपना राइड ऑन ही है, अपने उसी से सेम लोकेशन जाने वाले हैं, बट थोड़ा सा अंदर का रास्ता ले करके। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक तो रास्ता अच्छा है, मस्त मज़ा आ रहा है, इतना एक्सपेक्टिंग थी नहीं था कि इतना सही रास्ता होगा। लेट्स सी आगे क्या रहता है। तो अपने हाईवे पर चढ़ गए हो। रिलेटेड या वो सब है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अपने को यहाँ से फिलहाल लेफ्ट जाना है, तो यू कैन सी हमें जाना है सरदार सरोवर डैम इज 14 किलोमीटर, स्टैचू ऑफ यूनिटी 11 किलोमीटर, केवड़िया गांव यहाँ से 6 किलोमीटर है, बट जो अपना उसका रेडियस है केवड़िया का वो पूरा एरिया में है, तो जहाँ से मैंने आपको बोला वहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है।